नमस्कार दोस्तों, मैं नाम राहुल रिएक्शन रे माता जी। नमस्ते, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं इंडियन मीडिया लेटेस्ट। तो बेसिकली भाई, इसका डाटा वो है भाई, कंगाल पाकिस्तान में फिर से जागा, जज्बा भारत को निस्तनाबूद करने का। मतलब भाई, जो जहले जो देखने को मिलती है पाकिस्तानियों की, मतलब मोस्ट ऑफ द वी की यहाँ पे किस तरीके जो वहाँ के जो पब्लिक जो होती है वो हमेशा इंडिया को टारगेट करती है बिना फालतू के, बिना किसी सर पैर के ना कुछ भी चीज़ बोलती रहती है। तो उसी के ऊपर बेसिक दिखाया वीडियो जाने वाले, कुछ ना कुछ गलत चीज़ ही बोलेंगे इंडिया के बारे में, तभी लिख रखा है भारत को निस्तनाबूद करने की कोशिश करी जा रही है। पता नहीं कैसे करेंगे लोग, लेकिन करना कुछ भी नहीं है, करेंगे तो गलत तरीके से करेंगे। कभी ऐसा तो है नहीं कि हाँ भाई कभी मतलब एज अ डेवलपमेंट के नाम पे कभी पीछे करें, नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ कहते गलत तरीके से करते, गलत चीज़ बोल के ही करते हैं। तो देखते हैं किस तरीके रहेगी, तो बिना किस तरीके करते हैं वीडियो स्टार्ट। पहली बात तो कश्मीर को आज़ाद करना चाहिए पाकिस्तान के लिए, अगर वो नहीं आज़ाद करते तो हमें जंग में उतरना चाहिए। अरे मुझे चकराने लग गया। हम तो यही कहेंगे कि जो है ना वो कश्मीर पाकिस्तान के हिस्से में ही आना चाहिए। हम क्यों दोस्ती करें, कुरान ने जब कह दिया काफिर और यहूदी लोग आप लोग कभी भी दोस्त नहीं बन सकते, हम तो फिर क्यों उनको दोस्ती का सिला दे रहे हैं। मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया। अगर ये पाकिस्तान सारी आवाम इकट्ठी हो जाए तो वो कुछ भी नहीं है हमारे सामने। उनकी आवाम अगर इकट्ठी होगी तो क्या होगा? उनके पास कितना हैवी मिसाइल है, हमारे पास एटम बम है, हमारे पास एटम बम है, आतंकवाद के पिल्ले हैं। पाकिस्तान और भारत की बात करें तो पाकिस्तान का कहना है कश्मीर हमारी शारग है। कब हो गया ये? अल्लाह तौबा। इंडिया का कहना है कश्मीर इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। जान दे देंगे इसके लिए। जी तो नाज़रीन, अब मैं बात करूंगी पाकिस्तान के शहर कश्मीर की, जिस पर भारत गुज़श्ता 7 दहाइयों से जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ता आया है। अभी तेरे को जो उखड़ने का उखड़ ले। अल्लाह तौबा। जब से 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद से भारत में तो मनाई जा रही है खुशियाँ, मिठाई बट रही है, लेकिन वहीं जमहूरी मुल्क पाकिस्तान में जैसे मधुमक्खी ने डंक मार लिया हो, सांप ने डस लिया हो, उछल रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, रो रहे हैं, इतना ही नहीं बोल रहे हम सड़कों पर आ जाएंगे। पर कुछ भी कहो भाई साहब, इनके ये बिलबिलाट देख कर ना दिल को सुकून मिलता है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो इंतहाई गलत आया, गलत आया पाकिस्तानियों के लिए। कश्मीर तो हमारी जान है, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तानी हुक्मरान भी बुजदिल बन के सोए हुए हैं, अभी तक कुछ नहीं कर सके कश्मीर के हवाले से, ठीक है। और हमारे कश्मीरी बहन भाई आज तक कत्लो गारत में इंडिया की पिसती बंदूकों के साथ पीस रहे हैं, उनकी फौजियों के साथ। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? आज तक हमारे हुक्मरानों ने कुछ उनके लिए किया नहीं है, कश्मीर की बेटियों के लिए इज्जतें लुटाई जा रही हैं, हुक्मरान बुजदिल बन के सोए हुए हैं। कहाँ से आते हैं ये लोग यार? लेकिन अगर कश्मीर की बात करें, आपने इतना कुछ बता दिया कि उस साइड के कश्मीर पे ये है वो है, ये तो खैर बता रहे हैं, लेकिन क्या ये बता रहे हैं कि वहाँ पर तरक्की हो रही है? ये तो कुछ नहीं है, तरक्की तो हो नहीं रही है। आप वहाँ पे देखिए, हाईवेज बने हैं, 5 से 6 टनल्स बने हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने हैं, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज वहाँ है, इंटरनेट वहाँ है, अच्छी खबरें क्यों नहीं बता रहे? ये इसलिए नहीं बता रहे, नहीं इंडिया तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान मुसलमानों को क्या फायदा हासिल हो रहा है? आज तक अभी तक कश्मीर के बच्चे पुकार रहे हैं ये हुक्मरान सोए हुए हैं। हमने 1947 में पूरा मुल्क बना के दे दिया तुमको, अब क्या बेहतर हुरे भी तुमको हम ही दे दें? जाए लो जिन्ना के पिल्लो। इंडिया के कश्मीरी पाकिस्तान को पुकार रहे हैं? हाँ जी। ये कौन सी वीडियो में आपने देखा है? इंडिया के कश्मीरी नहीं, बाकी जो मुसलमान कश्मीरी हैं वो पाकिस्तान को अभी तक पुकार रहे हैं। अच्छा अच्छा, पाकिस्तान के कश्मीर की बात? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, अपने कश्मीर में भी? हाँ जी हाँ जी, हो रहा है क्या ये? एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, सब कुछ बदल दिया। अरे यार, ये तो अपने पाकिस्तान की फटी हुई धोती खोल रहा था, ये तो पीओके की बात कर रहा था। कोई नहीं बेटे, कंटिन्यू। बिल्कुल स्टेटमेंट तो गलत बनी हुई है, ठीक है। जो भी काफिर है, दुश्मन है, मुसलमानों के सारे ही दुश्मन है। इंडिया भी आज अमेरिका के साथ बन के बैठा हुआ है, मुसलमानों के हुक्मरान भी उन्हीं के साथ मिले हुए हैं, लेकिन आवाम को कुछ और दिखा रहे हैं मीडिया पे। सच में यार क्या था ये? जब हम किसी दूसरे रिलीजन को बोलते हैं कि ये काफर है तो उसको पता चल जाता है कि ये मुझसे नफरत करता है। जब आप ओपनली किसी से नफरत कर रहे हैं, किसी के लिए ऐसे वर्ड यूज कर रहे हैं, तो क्या वो आपको कभी दोस्त रखेगा? नहीं रखेगा, कभी भी नहीं रखेगा। फिर हम गिला क्यों करते हैं जी, फला हमसे दोस्ती नहीं कर रहा, इंडिया हमसे दोस्ती नहीं कर रहा? हम क्यों दोस्ती करें? कुरान ने जब कह दिया काफिर और यहूदी लोग आप लोग कभी भी दोस्त नहीं बन सकते, हम तो फिर क्यों उनको
दोस्ती का सिला दे रहे हैं। फिर काफिरों की बनाई हुई चीजें क्यों बॉयकॉट नहीं करते हो, मोबाइल यूज क्यों करते हो, टीवी क्यों देखते हो, और मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ कैमरे पर जहर उगल रहे हो, ये भी काफिरों की ही देन है। तो आप ये जो फैसला आया है उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि रिजेक्ट कर रहे हैं? रिजेक्ट कर रहे हैं। इसके रिजेक्ट करने के बाद मोदी जी, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। हम तो यही कहेंगे कि जो है ना वो कश्मीर पाकिस्तान के हिस्से में ही आना चाहिए। अच्छा ठीक हो गया, हर पाकिस्तानी का यही ख्वाब है जो आपका। बिल्कुल, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट तो कह रही है कि आर्टिकल जब हट जाता है तो पाकिस्तान की ग्रिप तो जम्मू एंड कश्मीर पर से खत्म हो गई ना। कोई ना कोई हल तो होगा ना, देखे जारी सी बात है, कोई ना कोई तो मैनेजमेंट ऐसी निकलेगी ना कि पाकिस्तान के हिस्से में आना चाहिए। मुझे दिल से तकलीफ होती है। अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन में भी हम अपना केस, जैसे बिलावल भुट्टो ने कहा हम फेल हो गए हैं, हमें क्यों मिलना चाहिए, ऐसी कौन सी खूबी है या ऐसा क्या चीज़ हमारे पास है जो हम कश्मीरियों को दे सकते हैं और इंडिया नहीं दे सकता? कश्मीर एक तो इतना प्यारा इलाका है, ठीक है, और वहाँ पे लोग जो हैं, जारी सी बात है हमारा शुरू से यही ख्वाब है कि पाकिस्तान के हिस्से में आना चाहिए, तो पाकिस्तान के हिस्से में ही आना चाहिए। और थोड़ा रुको, पीओके बनेगा हिंदुस्तान। जय श्री राम। यो यो किट्टू भाई। यो यो किट्टू भाई। यो यो किट्टू भाई। जब सब कुछ इतना कुछ कश्मीर के अंदर हो रहा था, हमारी तरफ से क्यों कोई कहते ना पुरजोश आवाज नहीं उठी? उठनी चाहिए थी, पुरजोश आवाज उठनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं अब ये तो हमारे है यूनाइटेड लेवल पे है कि मतलब इसमें क्या कमी है। अब देखिए किसी एक दो फर्द के कहने से तो नहीं होता ऐसा, ठीक हो गया। इंटरनेशनल लेवल पे जैसे भी है होता है, इस तरीके से होना चाहिए था, लेकिन जो भी है जैसा भी, हमारा ख्वाब तो यही है कि कश्मीर हमारे हिस्से में ही आए। अरे मैडम, जिन्ना को भी कश्मीर चाहिए था, तुम्हारे दादा को भी कश्मीर चाहिए था, तुम्हारे बाप को भी कश्मीर चाहिए था, तुम्हें भी कश्मीर चाहिए, और तुम्हारी आने वाली पता नहीं कितनी जाहिल नस्लें कश्मीर कश्मीर करती मर जाएंगी, लेकिन मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। लेकिन अब तो नहीं आ सकते, अब तो ख्वाब टूट गए। ये तो वज़ीर आज़म को चाहिए ना कुछ करे। वज़ीर आज़म को चाहिए कुछ करे। कश्मीर का ख्वाब जो पाकिस्तान ने देखा था वो धरे का धरा रह गया और भारत बाजी ले गया जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। पहली बात तो कश्मीर को आज़ाद करना चाहिए पाकिस्तान के लिए, अगर वो नहीं आज़ाद करते तो हमें जंग में उतरना चाहिए। अच्छा, अगर एक मुसलमान खड़ा होगा, कोई ना कोई खड़ा होगा ना पाकिस्तान या कश्मीर के लिए, तो वो उनको मतलब डर होगा कि कोई खड़ा है तो वो लाजमी आज़ाद करेंगे कश्मीर को। उन्हें क्या डर होगा, हमारा उनकी आर्मी हमसे बड़ी, उनकी इकानमी इतनी स्ट्रॉन्ग, उनके जीडीपी इतनी स्ट्रॉन्ग, इतना मालदार मुल्क है, क्या डरेगा हम? अगर ये पाकिस्तान सारी आवाम इकट्ठी हो जाए तो वो कुछ भी नहीं है हमारे सामने। उनकी आवाम अगर इकट्ठी होगी तो क्या होगा? उनके पास कितना हैवी मिसाइल नहीं, हमारे पास एटम बम है, अगर हम चाहें तो चला सकते हैं। क्या इंडिया के पास एटम बम नहीं है? उनके पास इतना नहीं है जितना पाकिस्तान के पास है। उनके पास क्या बड़ा वाला मापा, छोटा वाला क्या हमारे पास बड़ा? हमारे पास बड़ा है। तू फोड़ेगा बम? अबे बेटे जाके पत्थर फोड़ तो वक्त की रोटी मिलेगी। और हमने पप्पू की शादी में फोड़ने के लिए नहीं रखा है, जिस दिन हमारी पावर दिखी ना पाकिस्तान का नामो निशान नहीं रहेगा, समझे जाहिल। मापा बड़ा बम है जी। एटॉमिक बम तो एटॉमिक बम होता है, बड़ा छोटा क्या है इसमें? सोचने वाली बात है। चले ये बताएं, जो जजेस का फैसला आया उस पे आपकी क्या राय? नहीं वैलिड, उनको चाहिए कि कश्मीर के हक में फैसला दें और कश्मीर को आज़ाद करवाएं किसी ना किसी तरह से। ये कोई तरक्की नहीं की, वो तो कब्जा करने के लिए उधर लड़ाई कर रहे हैं। आप किस जमाने की खबरें देख रहे हैं? सच में मैं हैरान हो रही हूँ। सच में? हाँ। मैं इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई की बात कर रहा हूँ जो कश्मीर में लगी हुई है। कोई इंडिया और पाकिस्तान के बीच तो कोई लड़ाई हो ही नहीं रही। चले ठीक है, फिर नहीं हो रही। नहीं हो रही जी, नहीं हो रही, कोई बात नहीं। हमारा जो काम होता है अवेयरनेस फैलाना है, साथ साथ लोगों की राय आप तक जो है पहुंचाना है। तो ये था आज का वीडियो। ये पाकिस्तानी लाहौरी चूर्ण कश्मीर का चूर्ण चाटते चाटते मर जाएंगे, भूखे नंगे रहेंगे, इनके बस की बात कुछ नहीं है। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। 370 की बात हुई है, मतलब अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना कि भाई 370 अब हट चुका है प्रॉपरली, और वाकई में अब जम्मू कश्मीर जो है वो अटूट अंग है भारत का,
अब कभी नहीं आ सकता। तो इस चीज को लेकर के पाकिस्तान में इतनी भगदड़ मच रखी है, एक टाइम तो है जूते चप्पल तक चल गई थी पता है उनके उनके पार्लियामेंट में, सोचो इस चीज को लेकर के। बढ़िया चीज है भाई, इंडिया का हिस्सा रहना चाहिए। मतलब क्या जम्मू कश्मीर का पीओके भी लेना है जल्दी जल्दी, वो भी आएगी और आनी चाहिए भाई। और कसम से देखो उनके मन में क्या चीज, ये कसम से काफिर काफिर करते रहते हैं, पता नहीं क्या चीज है, पता नहीं किस चीज को अपना रखा है इन लोगों ने। मतलब क्या तुम्हारे देश में रहते हैं हिंदू लोग, हमारे देश में मुसलमान खतरे में भाई, तुमसे ज्यादा है, तुम्हारे तुम्हारी आबादी से ज्यादा हमारे हिंदुस्तान में है मुसलमान। तो ये चीज सोचा करो, बहुत से जी रहे हैं, बहुत से रह रहे हैं, पता नहीं कौन सा चूर्ण खा रखा है इन लोगों ने कि हम सबसे आगे हैं, हम तो हमारी जनता खड़ी है। तुम्हारी जनता कितनी खड़ी होगी, 22-23 करोड़ खड़ी होगी, यहाँ 100 करोड़ खड़े हो जाएंगे, क्या करोगे फिर तुम, 75 करोड़ ज्यादा क्या करोगे, इस टाइम भागोगे हमारा। तो ये चीज सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या चीज नहीं बोल रहे हैं, हमारा ज्यादा कौन सी मिसाइल ज्यादा तुम्हारा भाई, कुछ किसी चीज में आगे नहीं हो, परमाणु में सिर्फ 5 या 6 ज्यादा तुम्हारा पास, और वो भी भाई कोई भी कंट्री ना रिवील नहीं करती जल्दी है कि हमें इस वक्त कितने पड़े हुए, हमारे पास ज्यादा ही पड़े होंगे। हमारे हमारे जब GDP तुम्हारे ज्यादा है, हर चीज है हमारे पास, ऑयल रिफाइनरी है, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, कुछ भी चीज नहीं है तुम्हारे पास कि हाँ भाई तुम आसपास भी खड़े हो, हर चीज बाहर से लेते हैं, फिर भी इनको पता नहीं काफिरों को, तो काफिरों के सामान यूज कर लेंगे, हर चीज कर लेंगे, यूट्यूब से लेकर फेसबुक तक सब यहूदी होगा, सब कुछ चीज यूज कर लेंगे, लेकिन काफिरों को बाइकआउट करें, कौन सा बाइकआउट कर रहा समझ नहीं आ रहा। काफिर क्या होता है ये तो पहले बताएंगे, पता है क्या काफिर होता है, काफिर क्या होता है। हाँ आतंकवादी तो हमने सुना है, आतंकवादी हाँ, ये कहते हैं ना ये हम काफिर हैं, चलो हिंदू और जो दूसरे बिरादरी के कौम के लोग हैं वो काफिर है, तुम तो बस एक ही हो। इनकी जनसंख्या जब तक ये चीज नहीं मानेगी कि हाँ भाई मिलजुल के ही देश आगे बढ़ता है तभी डेवलपमेंट आगे होती है, तब कुछ नहीं होने वाला। मैं बता दे रहा हूँ ये कंट्री और इन्फ्लेशन में जाती रहेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा इंडिया को आक्रमण करना पड़ेगा, फिर सब कुछ चीज खो देंगे लोग, और अच्छी बात है हमारे लिए, तो ये हम तो करेंगे करेंगे भाई। भाई जब ये लोग जनता इनकी मानने को राजी नहीं है कि हाँ भाई देश कैसे चलना चाहिए, किस तरह साथ मिलना चाहिए, तो फिर कौन रहना चाहेगा साथ में, इनकी सोच इतनी गंदी है। हमेशा इनके मुंह में यही रहता है कि हम लड़के लेंगे, लड़ने के लायक भी हो, लायक भी हो लड़ने की। कुछ कुछ इनकी कंट्री में ऐसे लोग भी हैं जैसे कि क्या बोलते हैं इसके क्या रिपोर्टर है जो समझाने की कोशिश करते हैं, अपने जनता को अवेयर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता ही ऐसी है। बस मैं ये चाहता हूँ कि हाँ भाई एक टाइम ऐसा है कि हाँ भाई ये लोग अपने बच्चों को सिखाएं कि हाँ भाई नफरत से नहीं, मतलब सबके साथ मिलजुल के ही काम करेंगे तब जाकर के आगे बढ़ पाएंगे, नहीं प्यार से जीतते हैं, प्यार से जीतते हैं तब जाकर के बन पाएंगे आगे जाकर। तो मैं देखता वीडियो काफी अच्छी लगी देखने में, तो आया उस वीडियो अच्छी लगी, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, तो अच्छी बात नहीं। जय श्री राम।